हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इफेक्टिव लर्निंग बाय महक वर्मानी। हम अकाउंट्स का चैप्टर 8 डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज जर्नल्स। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ जर्नल एंट्रीज डिस्कस करी थी। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वह डिस्काउंट। आज हम डिस्कस करेंगे क्या होता है डिस्काउंट, व्हाट इज डिस्काउंट, टाइप्स ऑफ डिस्काउंट क्या है एंड कैसे जर्नल एंट्रीज की जाती है डिस्काउंट की। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या होता है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं। सपोज एक बायर है एंड एक सेलर है। बायर ने 10,000 रुपीज के गुड्स परचेज करे हैं फ्रॉम द सेलर। ओके, सेलर ने क्या कहा बायर को कि आप मुझे 10,000 रुपीज पे मत करो, उसकी जगह आप मुझे 9,000 रुपीज पे करो। सो अब जो एक सेलर है उसने 1,000 रुपीज उससे कम लिए हैं बायर से। सो जो ये 1,000 रुपीज उसने छूट दिए एक बायर को, वो जो 1,000 रुपीज है वो क्या होगा, डिस्काउंट होगा। ओके, सो डिस्काउंट क्या हुआ, एक ऐसा अमाउंट जो सेलर बायर से नहीं लेता है, उसको उसने जो बायर ने परचेज किया है जितने का गुड्स, सपोज 10,000 के उसने परचेज करे थे, सो उससे वो 1,000 रुपीज कम ले रहा है। सो जो ये 1,000 रुपीज है ये अमाउंट क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ। ओके, सो एक बार इसकी डिफाइन देखते हैं। डिस्काउंट इज एन अलाउंस गिवन बाय द सेलर। ये ऐसा अमाउंट होता है, एक ऐसी छूट होती है जो सेलर देता है बायर को, जो वो बायर गुड्स परचेज करता है उन पे। ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ डिस्काउंट क्या है। 3 टाइप्स के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड रिबेट। अब इन तीनों डिस्काउंट में क्या डिफरेंस है, इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सो पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट बायर को तब दिया जाता है जब बायर लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स परचेज करता है, मींस बल्क में गुड्स परचेज करेगा जब बायर, उसको तब ट्रेड डिस्काउंट देता है सेलर। सो जो भी हमने एग्जांपल डिस्कस किया था कि एक सेलर ने 1,000 रुपीज का डिस्काउंट दिया बायर को, सो हो सकता है सेलर ने डिसाइड किया हो कि 10,000 के जो गुड्स पर्सन परचेज करेगा उसको मैं 10% का डिस्काउंट दूंगा, ट्रेड डिस्काउंट दूंगा। तभी उसने क्या किया, 10,000 का उसने 10% मीन्स 1,000 रुपीज बायर से कम लिए। सो वो जो 1,000 रुपीज का डिस्काउंट था वो कौन सा टाइप ऑफ डिस्काउंट था, वो ट्रेड डिस्काउंट था। ओके, सो ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है, जब जो बायर है गुड्स परचेज करता है लार्ज क्वांटिटी में एंड उसी टाइम को डिस्काउंट दे दिया जाता है जब वो गुड्स परचेज कर रहा होता है। सो अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ डिस्काउंट, दैट इज कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट बायर को इसलिए दिया जाता है सो दैट कि जो बायर है वो टाइमली पेमेंट करे जो उसने गुड्स परचेज की है उनकी। फॉर एग्जाम्पल एक सेलर है, उसने क्रेडिट सेल्स करी है किसी पर्सन को 5,000 रुपीज की। ओके, एंड उसने बायर को बोला कि अगर आप 1 month के अंदर अंदर ये पेमेंट कर देते हो या मैक्स टू मैक्स 1 month अगर आप ये पेमेंट कर दोगे तो मैं आपको कैश डिस्काउंट दूंगा 2% का। ओके, सो ये कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है, जब जिसने गुड्स परचेज करे हैं, मींस जो बायर है, जो कस्टमर है, जब वो पेमेंट करेगा टाइमली, अगर वो पेमेंट करेगा तब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको क्या दिया जाता है, कैश डिस्काउंट दिया जाता है एज डिसाइडेड बाय द सेलर। ओके, सो थर्ड टाइप ऑफ डिस्काउंट इज रिबेट। रिबेट क्या होता है, ये भी डिस्काउंट का टाइप ही है, बट इन दोनों के जो रीजन थे, ट्रेड डिस्काउंट का रीजन था कि लार्ज क्वांटिटी परचेज करेगा बायर तब उसको ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड होगा। कैश डिस्काउंट का था कि अगर जब बायर टाइमली पेमेंट कर देगा तब उसको कैश डिस्काउंट दिया जाता है। रिबेट इन दोनों से अलग है। रिबेट तब दी जाती है कि जैसे कस्टमर है उसने जैसे गुड्स डिमांड करे वैसे गुड्स नहीं दिए सेलर ने, या हो सकता है पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स उसने सेल आउट करे हैं अपने बायर को, सो तब वो रिबेट देता है। ठीक है, तो इनमें क्या डिफरेंस था, हमने ये डिस्कस किया। आज हम ट्रेड डिस्काउंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाता है, कैसे जर्नल एंट्रीज की जाती है एंड कैश डिस्काउंट एंड रिबेट को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो ट्रेड डिस्काउंट जो भी हमने डिस्कस किया था क्या मीनिंग होता है, इसको एक डिफाइन के थ्रू डिस्कस करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय द सेलर व्हेन गुड्स आर परचेज इन द लार्ज क्वांटिटी। जब बल्क में लार्ज क्वांटिटी में गुड्स जो बायर खरीदता है उसको सेलर जो डिस्काउंट अलाउ करता है वो कौन सा डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट। ओके, इसके अदर पॉइंट्स भी डिस्कस करते हैं। डिडक्टेड इन द इनवॉइस फ्रॉम द सेल प्राइस, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है क्या, जब बायर ने गुड्स परचेज करे हैं सेलर से, ओके, एंड सेलर ने उसको 10% का ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड किया। सो जो वो इनवॉइस होगा, जहां पर सपोज हम इन शॉर्ट अगर हम बोले कि अगर जो बिल प्रोवाइड करेगा सेलर बायर को, उस बिल में शो करेगा कि उस बायर ने कितने के गुड्स खरीदे हैं एंड उसमें उसको कितना ट्रेड डिस्काउंट लेस किया गया है, जो अमाउंट लेफ्ट बचता है वो उसको बायर को पे करना होता है सेलर को।
ओके सो नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेटली. जो ये ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है बायर को वो बुक्स में सेपरेटली शो नहीं किया जाता, क्योंकि वो जब इनवॉइस प्रिपेयर किया जाता है उसमें ही क्या कर देते हैं, जो सेल प्राइस होता है उसमें से रिड्यूस कर देते हैं अमाउंट को जो डिस्काउंट का होता है, एंड उसके बाद जो अमाउंट बचता है वही लिया जाता है बायर से. तो जो जर्नल एंट्रीज की जाती हैं बायर की बुक्स में हो या सेलर की बुक्स में हो वो उसी अमाउंट से की जाती है जो डिस्काउंट लेस करके अमाउंट आता है. ओके सो ये क्या होता है, इसीलिए सेपरेटली शो नहीं किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में. ठीक है, सो अब हम डिस्कस करते हैं जर्नल एंट्रीज कैसे की जाएंगी इन द बुक्स ऑफ बायर एंड इन द बुक्स ऑफ सेलर. उससे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो एग्जांपल है यहाँ पर, सोहन सेल्स गुड्स टू अरुण रुपीज 2 लाख, अलाउइंग हिम द डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%. एक सोहन है, उसने क्या किया, अरुण को गुड्स बेचे हैं ओके 2 लाख रुपीज के, एंड अरुण ने बल्क में परचेजेस किए होंगे इसलिए उसने सोहन ने उनको क्या दिया, ट्रेड डिस्काउंट दिया 10% का. सो पहले हम डिस्कस करते हैं कैसे कैलकुलेट होगा ट्रेड डिस्काउंट एंड कितना अमाउंट पे करना है अरुण ने सोहन को, वो अब हम पहले देखते हैं. ठीक है, सो जो इनवॉइस प्रिपेयर होगा उसमें हम पहले क्या मेंशन करेंगे, लिस्ट प्राइस. लिस्ट प्राइस कौन सा होगा, जितने की टोटल सेल्स की गई है. सो 2 लाख रुपीज की यहाँ पर सेल्स की गई है ओके, एंड सोहन ने अरुण को कितने परसेंट का ट्रेड डिस्काउंट दिया है, 10% का. सो 2 लाख रुपीज पे जो हम 10% का ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारा 20,000 ओके. सो हम क्या करेंगे, जो हमारा लिस्ट प्राइस था जितने की टोटल सेल्स थी उसमें से हम क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट, दैट इज 20,000 ओके. 2 लाख रुपीज में से 20,000 जब हमने रिड्यूस करे तो हमारा है 1,80,000. सो 1,80,000 हमारा क्या है, सेल वैल्यू है, जो अमाउंट अरुण को पे करना है सोहन को ओके. अब उसको 2 लाख रुपीज पे नहीं करने, उसको कितने रुपीज पे करने हैं, 1,80,000. जो 20,000 रुपीज कम पे करने हैं वो उसको क्या मिला है, ट्रेड डिस्काउंट मिला है अरुण को ओके. अब हम जर्नल एंट्रीज डिस्कस करते हैं. सो यहाँ पर सोहन क्या है, सेलर है, एंड जो अरुण है वो बायर है ओके. पहले हम जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सोहन. सोहन कौन था, हमारा सेलर जो गुड्स बेच रहा है, उसके बुक्स में क्या एंट्रीज होंगी इनको डिस्कस करते हैं. सो जो सोहन है वो सेलर है ठीक है. तो जो सेलर है उसने अरुण को गुड्स पर सेल आउट करे हैं. अब ये तो नहीं कहा कि कैश में करें है ना, मीन्स ये क्या है, उसने क्या करी है, सोहन ने क्रेडिट सेल्स करी है. सो क्रेडिट सेल्स की हमने एंट्री डिस्कस करी थी, जब भी कोई पर्सन जो है वो क्रेडिट सेल्स करता है तो सेल्स कर रहा है. सेल्स क्या है, इनकम है. इनकम जब इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं है ना. सो अब सोहन ने तो क्या किया है, गुड्स बेचे हैं, उसकी तरफ से तो सेल्स हुई है तो उसके लिए इनकम जनरेट हुई है. तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में तो क्या आ जाएगा, 2 सेल्स अकाउंट ओके. डेबिट क्या होगा, अगर ये कैश सेल्स होती तो कैश रिसीव करता सोहन, तो कैश हमारी क्या होती, एसेट होती, एसेट इंक्रीज होती तो डेबिट की जाती. बट यहाँ पर तो कैश रिसीव कर ही नहीं रहा वो, क्योंकि इधर क्या है, क्रेडिट सेल्स का एक केस लिया गया. सो यहाँ पर कैश की जगह क्या होगा, अरुण का नेम आएगा. क्यों, क्योंकि अरुण कौन है, जो गुड्स उससे खरीद रहा है, एंड अरुण ने अभी उसको सोहन को पैसे देने हैं. तो सोहन के लिए क्या हुआ, वो डेटर हुआ अरुण. डेटर क्या होती है, एसेट होती है. तो एसेट अल्टीमेटली इंक्रीज हो रही है, कैश नहीं हो रही बट कैश की जगह डेटर इंक्रीज हो रहा है. तो क्या कर दिया जाएगा, जब एसेट इंक्रीज होती है डेटर इंक्रीज होगा तो वो डेबिट किया जाएगा. तो जर्नल एंट्री क्या हुई, अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. नरेशन लिखेंगे गुड सोल्ड टू अरुण, अरुण को गुड सोल्ड करे गए. सो जो यहाँ पर अरुण अकाउंट डेबिट हुआ था किस अमाउंट से होगा, 2 लाख से नहीं होगा. जो भी हमने यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट लेस करके सेल वैल्यू निकाली है 1,80,000. सो 1,80,000 डेबिट किया जाएगा अरुण अकाउंट डेबिट 1,80,000, एंड जो क्रेडिट हुआ है टू सेल्स अकाउंट वो भी सेल्स कितने की काउंट की जाएंगी, 1,80,000, 2 लाख रुपीज की नहीं होगी ओके. सो जब भी हम ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड करेगा जो सेलर है बायर को, जो उसके बुक में एंट्री की जाएगी वो क्या होगी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, एंड किस अमाउंट से, जो उसके सेल वैल्यू आई होगी आफ्टर डिडक्टिंग द ट्रेड डिस्काउंट ओके. अभी हमने डिस्कस की जर्नल एंट्री कैसे करी जाएगी इन द बुक्स ऑफ सेलर, जो कि यहाँ पर था सोहन. अब हम डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अरुण. अरुण कौन है, बायर है. तो बायर अपने अगर बुक्स में अकाउंट में करेगा जर्नल एंट्री तो क्या जर्नल एंट्री करेगा वो डिस्कस करते हैं. अब अरुण ने गुड्स परचेज करे हैं ओके. परचेज करे हैं तो कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हुए. अब यहाँ पर जब सोहन ने गुड्स सेल आउट करे थे तो हमने कहा ये क्रेडिट सेल्स है, तो जो अरुण ने परचेज करी है वो क्रेडिट परचेज ही करी है, कैश थोड़ी पे की है. तो क्रेडिट परचेज करी है, इसमें कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हुए, परचेज ओके. अगर कैश परचेज होती तो दूसरा अकाउंट हमारा होता कैश,
बट यहाँ पर अभी उसने कैश पे नहीं करी है अरुण ने, तो सेकेंड अकाउंट कौन सा होगा? उसकी लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, वो क्रेडिटर का अकाउंट होगा. ओके, सो यहाँ पर डेबिट क्या किया जाएगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसका एक्सपेंस इंक्रीज हुआ. परचेज हमारा एक्सपेंस होता है, अरुण के लिए परचेज क्या है? एक्सपेंस है. जब एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो क्या होगा? डेबिट होगा. ओके, एंड उसकी लायबिलिटी भी इंक्रीज हुई है क्योंकि उसने सोहन को अभी पैसे देने हैं, सोहन उसका क्रेडिटर बन गया. सो जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या की जाती है? क्रेडिट. सो यहाँ पर क्या किया गया? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सोहन. सोहन कौन है? अरुण का क्रेडिटर है. ओके, यहाँ पे नरेशन क्या आएंगे? गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन. सोहन से जो गुड्स परचेज करेंगे वो एक नरेशन में हम मेंशन करेंगे. यहाँ पर भी अमाउंट क्या आएगा? 1,80,000. ओके, 2 लाख नहीं आएगा क्योंकि 2 लाख क्या था? एक टोटल परचेजेस का अमाउंट था जो हमने अरुण ने खरीदा था गुड्स. ओके, बट उसको ट्रेड डिस्काउंट मिला तो लेस करके जो अमाउंट बचा वही तो वो पे करेगा. सो 1,80,000 क्या किया जाएगा? अमाउंट आएगा यहाँ पर, परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा 1,80,000 से. एंड जो उसकी लायबिलिटी भी बढ़ेगी वो भी किससे बढ़ेगी? 1,80,000 से. सो आज हमने जो डिस्कस किया ट्रेड डिस्काउंट के बारे में, जर्नल एंट्रीज डिस्कस करी है. ओके, आई होप आपको समझ आई होंगी. बट अगर फिर भी किसी भी पॉइंट में कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा. अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लेना. एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, सो दैट जो मैं आगे वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आए एंड आप टाइमली उन वीडियोस को देख सको. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कैश डिस्काउंट एंड रिबेट. सो तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स.